हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जो कि सैनिक स्कूल से ये शिक्षक भर्ती आई है। काफ़ी पोस्ट हैं इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है। इसके अलावा भी जो है कई पोस्ट हैं जहाँ आवेदन किए जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट हो गया, म्यूज़िक टीचर, काउंसलर, लाइब्रेरियन। सैनिक स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल है, आप सभी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। और इसमें जो है सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। अगर PGT के टीचर्स की ही बात करें तो आप थंबनेल में देख रहे हैं, 71,400 पर मंथ सैलरी रहेगी। 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल रियल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कुछ भी आपको जो है समझ में ना आए तो वीडियो देखें, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल जो है 7th CPC, एज जो है यहाँ पर PGT के टीचर्स की 21 से 40 वर्ष है। तो PGT मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, PGT इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस में है, सभी में सैलरी जो है 71,400 पर मंथ है। पूरा साल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी जारी हो रही है सैनिक स्कूल से, तो ये जो है चांस बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। हो सकता है कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 ईयर का हो और नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी आए और आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको ही ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर अगर यहाँ पर रहते हैं तो रेगुलर वैकेंसी आते ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है, आर्ट टीचर की वैकेंसी है। इन सब की सैलरी जो है 67,350 है TGT टीचर्स की भी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, काउंसलर की है, सबकी आप सैलरी देख सकते हैं 67,350 पर मंथ। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, सैलरी इसमें 43,800 पर मंथ है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में 38,250 है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में है 38,250। उसके बाद जो है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी सेम है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की मैट्रॉन फीमेल की वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 43,800, ठीक है, सैलरी आपको बता दी। केवल जो है PGT टीचर से 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और बाकी सभी पोस्ट के लिए 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी जो है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से है। सभी राज्यों के कैंडिडेट जो है यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपको बता दिया है, सैलरी बता दी है और एज बता दी है। अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपका सब्जेक्ट है और आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दें। अब चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में बाकी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री के साथ में BEd चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। TGT के टीचर्स की आप देखें तो इसमें जो है 50% मार्क्स के साथ में आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए, BEd आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो है CTET, राज्य का टेट नहीं चलेगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए ये टेस्ट। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन में आपने या सब्जेक्ट है हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट जो है वो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े होने ज़रूरी है। एक वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, इसमें बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में या DPED वाले अप्लाई करेंगे, इसमें जो है CTET नहीं मांगा जाता। आर्ट मास्टर की जो वैकेंसी है तो इसमें 4 ईयर का डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट या ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट या क्राफ्ट, ठीक है, 12th के साथ में। अगर आपने डिग्री फाइन आर्ट में की है तो भी अप्लाई करें, BEd डिग्री आपने फाइन आर्ट में की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर तक के कैंडिडेट। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में, इसमें बिल्कुल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। काउंसलर के लिए BA या BSc साइकोलॉजी से, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दें, काउंसलर के लिए केवल BA साइकोलॉजी से है,
और साथ में आपके पास डिप्लोमा है काउंसलिंग में तो आवेदन कर सकते हैं, या बीएससी आपने साइकोलॉजी से किया है, 1 साल का डिप्लोमा है काउंसलिंग में तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है बीएड सीटेट नहीं। म्यूज़िक टीचर के लिए 12th के साथ में डिग्री या डिप्लोमा कोई भी म्यूज़िक में, बस इतना ही। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए 12th में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो, केमिस्ट्री के लिए 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए तो 12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैट्रोन की जो वैकेंसी है तो बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में या डीपीएड, इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगी। अब देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, सैनिक स्कूल झांसी .com गूगल पे सर्च कर लें, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल ही जाएगा। केवल ऑफलाइन मोड में ही आप लोगों को आवेदन करना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है। अपने जितने भी डिग्री डिप्लोमा हैं 10th के बाद के, अब तक के जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको ज़रूर उसमें सबमिट करने हैं। पोस्टेज स्टैंप लगाना है 27 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का जनरल कैटेगरी OBC को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के नाम का, और SC ST कैटेगरी को 250 रुपीज़ का, 250 रुपये का बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट डेट दी हुई है, दोबारा से देख लें, 4 अक्टूबर 2024 है। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट केवल यही आपका चलेगा। बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप स्कूल में जाकर सबमिट नहीं करवा सकते हो, आपको जो है बाय पोस्ट ही भेजना है। एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, PGT इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो लिखें, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना है और कैपिटल लेटर का जो है यूज़ करें। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी रहेगा। सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा छोटा सा ही फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का ही है। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे से भरना है। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, 2 फ़ोटो लगाने हैं, और डिमांड ड्राफ्ट की जो रिसिप्ट है वो आप लगा दें और उसकी एक फ़ोटो जो है खींच कर अपने पास रख लें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोगों को होम पेज पर ही दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन टेम्परेरी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2024, ठीक है। इस पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म इसी में आपको मिल जाएगा, लास्ट 2 पेजेस में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।